हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। नाउ वी आर स्टार्टिंग सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान शस्त्र औचारणीय अध्याय। तो इससे पहले जो है हम यंत्रों के बारे में डिस्कशन करके आए हैं, अब इस चैप्टर में हम जो है शस्त्रों के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसलिए इस अध्याय का नाम रखा गया है शस्त्र औचारणीय अध्याय। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सुश्रुत लिखते हैं कि जो शस्त्र है उनकी संख्या कितनी होती है, विंशति। तो जहाँ पे यंत्रों की संख्या 101, उसी तरीके से यहाँ पे जो शस्त्रों की संख्या है विंशति, दैट इज 20। अब इसमें काफ़ी प्रकार के इन्होंने शस्त्र बता रखे हैं, इसमें मैंने ब्रैकेट में जो डाल रखा है इस लाइन को आपको एज इट इज लर्न करना है, क्योंकि आपको कुछ तो शस्त्र याद रहे। तो देखिए, मंडलाग्र करपत्र, मंडलाग्र करपत्र, नक्षशस्त्र मुद्रिका, उत्पल और अर्धधार, ये जो शस्त्र हैं इसको आपको एज इट इज लर्न करना है। इसी क्रम में इसको लर्न करना है। तो इसमें से कोई भी ब्लैंक करके दे सकते हैं, या फिर कई बार क्या है कि ऑप्शन में डिफरेंस डालते हैं ना, कि यंत्र और शस्त्र में डिफरेंस, तो जो डिफरेंस जो डालते हैं ना वो इनमें से ही डालते हैं, इस वजह से आपको इसको एज इट इज लर्न ही करना है। फिर नीचे में जो विमर्श दिया गया है उसका एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि आचार्य जो वांगभट है उन्होंने 20 से कुछ एक्स्ट्रा शस्त्र यहाँ पे बताए हैं। तो वो कितने बताए हैं, तो आचार्य वांगभट ने टोटल 26 जो शस्त्र है उसका वर्णन किया है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पे सुश्रुत के शस्त्रों की संख्या 20 है, वहीं पर वांगभट की शस्त्रों की संख्या है 26। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तीनों ने जो कूर्च है, खच्च है, कर्तरी है, कर्णवेधन शस्त्र है, एक्सेट्रा, इस तरीके से इन्होंने एक्स्ट्रा माने हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वांगभट की संख्या कितनी है, 26। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो ये देखो, ये जो शस्त्र बताया है ना, मंडलाग्र है, करपत्र है, तो इनमें कौन सा शस्त्र किस काम आता है, तो इसमें से भी ये क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए आप लोग जो है कोड नोट आउट कर लीजिए, मक छेले या फिर मंडलाकार छेले, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो म से आपका क्या होता है, मंडलाग्र, क से होता है करपत्र, छे से होता है आपका छेदन, और ले से होता है आपका लेखन। तो मंडलाग्र और करपत्र जो शस्त्र होता है वो आपका छेदन और लेखन के काम आता है। फिर आगे की जो कोटेशन थी उसको एज इट इज आप देखो, वृद्धि पत्र, नक्षशस्त्र मुद्रिका, उत्पल और अर्धधार। तो मंडलाग्र और करपत्र को हमने ऐसे ही निकाल दिया, और बाकी जो बची शस्त्र है वो जो है आपके छेभे, मतलब छेदन और भेदन के काम आते हैं। तो आई थिंक ये दो तो आपको एज इट इज याद हो गए होंगे। फिर यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा मेंटली आप जो है ध्यान लगा करके याद रखो कि सूची, कुशपत्र, आटीमुख, सरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्चक, ये सब विस्त्रावण के काम में आते हैं। तो ये जो आटीमुख, सरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्चक है, तो ये सब मुख वाले हैं ना, आटी, सरारी, स्पेशली त्रिकुर्चक, तो ये जो शस्त्र होते हैं वो विस्त्रावण के काम में आते हैं। अब इसमें एक आता है कुठारिका, व्रीहिमुख, जैसे कि कुठारिका से अस्थि का वेधन करने में, व्रीहिमुख मांस इत्यादि में वेधन करने में, और जो वेतस पत्र है ये जो है मेनली वेधन के काम में आते हैं। फिर देखो वडिश्य, हम लोग कोई भी चीज़ को निकालते हैं, इसलिए ये जो है आहरण के काम में आते हैं, दंत शंकु और वडिश्य। ऐषणी जो होती है वो ऐषण करने के, प्रोबिंग करने के काम में आती है, साथ ही साथ अनुलोमन के काम में भी आती है। सूची जो है वो सीवन के काम में आती है, लेकिन ये जो सूची शस्त्र है वो आपके सीवन में भी है, आप देखोगे तो ये वेधन में भी है, इसको जो है विस्त्रावण में भी लिखा गया है। तो जब क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा शस्त्र है कि जो तीनों काम में आता है, तो दैट इज सूची। तो इसमें कौन सा शस्त्र जो है वो किस काम में आ रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार वापस देख लेते हैं, मक छेले, मंडलाग्र करपत्र, छेदन और लेखन में, और बाकी जो बचे हुए हैं जो आपके वृद्धि पत्र, नक्षशस्त्र मुद्रिका,
उत्पल और अर्धधार, ये जो है छेदन भेदन में, सूचीमुख आटीमुख सरारीमुख, स्पेशली त्रिकुर्चक ये जो है विस्त्रावण में, कुठारिका व्रीहिमुख ये जो होता है मेनली वेधन के काम में आता है, वडिष्य हम जानते हैं आहरण करते हैं, ऐषणी दो काम आती है ऐषण और अनुलोमन के, सूची स्पेशली अगर पूछा जाए तो सीवन, बाकी वेधन विस्त्रावण के भी ये काम आती है। ओके, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बता रखे हैं, जैसे देखो वृद्धि पत्र मंडलाग्र एक्सेट्रा को उसको पकड़ना है, इनको तो कैसे पकड़ना है, तो पाणी नाम उत्तान करके हाथ से उसे ग्रैप्स करके तब जा करके लेखन जो एक्सेट्रा जो कर्म है वो किए जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे एकदम ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं घुसने हैं, इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो, इतना बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन यहाँ से जाएगा नहीं। यहाँ पे ध्यान केवल इतना सा रखिए कि बालक वृद्ध सुकुमार भीरु नारियणाम और राजा का पुत्र, इनके अंदर जो विस्त्रावण किया जाता है वो जो है त्रिकुर्चक शस्त्र से किया जाता है, तो इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो भीरु प्रकृति के सारे प्राणी हैं इसमें ये लिख दिया है, इनमें जो विस्त्रावण किया जाता है, जो विस्त्रावण किया जाएगा वो त्रिकुर्चक शस्त्र से किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। इसमें देखिए ये जो नख शस्त्र है ना उसकी लंबाई बताई है सुश्रुत ने, अष्ट अंगुल, आठ अंगुल लंबाई बता रहे हैं सुश्रुत, लेकिन जो वांग भट्ट है वो इसकी लंबाई बताते हैं नौ अंगुल, मतलब वांग भट्ट ने नख शस्त्र की जो लंबाई बताई है वो है नौ अंगुल, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर सूची का आगे वर्णन किया जाएगा, फिर देखो प्रदेशिका जो होती है उंगली अपनी उसके आगे पर्व के बराबर होता है मुद्रिका, तो जो प्रदेशनीय जो उंगली है तर्जनी जिसको कहा जाता है उसके अग्र पोर के बराबर होती है मुद्रिका शस्त्र। दश और श, यहाँ पे आपको स स कॉमन दिख रहा है ना, तो दस अंगुल का होता है सरारी मुख शस्त्र, ठीक है, जिसको कि कर्तरी भी कहा जाता है, जैसे कि जो मंडलाग्र शस्त्र होता है ना ये छुराकार शस्त्र होता है, मंडलाकार मंडलाग्र जो होता है वो छुराकार जिसको बोला जाता है वो, तो आपसे पूछा जाए कर्तरी आकार का कौन सा है तो वो आपका सरारी मुख है, तो इसको आपको ऐसे भी ध्यान रखना है। फिर बाकी बचे हुए जो शस्त्र होते हैं वो आपके छह अंगुल के होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना कि बाकी जो है वो आपके रिमेनिंग, इनमें जो नहीं आ रहा है ऊपर के में, बाकी जो बचे हुए हैं वो सब छह अंगुल के शस्त्र हैं। ठीक है, फिर देखो शस्त्र संपत, मतलब शस्त्रों के गुण बता रखे हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपका बोला गया है सुग्राही सुधारी सुरूप सुसमाहित मुखाग्र अग्र करानानी, इनका जो मुख है वो आगे से अकराल होना चाहिए, अकराल का मतलब दांतों से रहित, अभी तो ये ध्यान रखो आगे से शस्त्र संपत में अकराल बोला गया है। फिर यहाँ पे देखो जहाँ पे शस्त्र के दोष बता रखे हैं कि वक्र है कुंट है खंड है खरदाल है, इस तरीके से आठ शस्त्र के दोष बताए हैं, तो एक तो संख्या में ध्यान रखना कितने शस्त्र दोषों का वर्णन है, आठ शस्त्र दोषों का वर्णन है। फिर ये जो शस्त्र दोष है इससे विपरीत गुणों वाला जो होता है वो करपत्र होना चाहिए, अब ऐसा क्यों बोला गया है ये ध्यान में रखना, क्योंकि करपत्र से क्या होता है हम जो है अस्थि का छेदन करते हैं, तो अगर उसकी धार जो है आगे से खर नहीं होगी तो उसका छेदन ही नहीं होगा, इसलिए ये जो शस्त्र संपत का अकराल वर्ड है ना दाते रहित होना चाहिए, ये किस पे लागू नहीं होता, करपत्र शस्त्र पे लागू नहीं होता, क्योंकि खरदार वाला चाहिए हमें करपत्र, अगर उसको हमको अस्थि छेदन हेतु प्रयोग में करना है तो ये भी अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखना कि ये जो पूरी स्टैंडर्ड है जो मानक है वो किस शस्त्र पे फॉलो नहीं हो रहा है, दैट इज करपत्र। फिर अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो शस्त्र बताए गए हैं इनकी धारा किस तरीके के होनी चाहिए, तो हम जैसे जैसे श्लोक में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना वैसे वैसे जो धारा है बारीक होती जा रही है, तो देखो मसूर की दाल की जैसी धारा होनी चाहिए भेदन के लिए, लेखन के लिए आधी मसूर के बराबर होनी चाहिए, फिर हम वेदन जब करते हैं या विस्त्रावण हम कर रहे हैं
तो केश के बराबर हमारे बाल के बराबर हो जानी चाहिए, और जब छेदन कर रहे हैं मतलब इंसिजन कर रहे हैं तो आधे केश के बराबर होनी चाहिए। तो इसका क्रम याद रखो BLVC। तो भेदन के लिए हम ऊपर से पढ़ेंगे, मोटाई से पढ़ेंगे मासूरी, ठीक है। उसके बाद में L हो गया तो आपका अर्धमासूरी हो जाएगा। वेधन विस्त्रावण के लिए आपका केशिकी, और जब छेदन आएगा तो अर्धकेश की हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि जो मासूरी धारा है वो किसके लिए होती है। भेदन के लिए होती है। अर्ध मासूरी जो होती है वो लेखन के लिए होती है। तो इस क्रम में कौन सी धारा किसके अंतर्गत आ रही है ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो वड़ीश और दंत्र दंत शंकु जो होते हैं वो थोड़ा से नताग्र होते हैं। फिर इसमें देखो तीन तरह की ऐषणी लिख रखी है, कौन कौन सी है। तो देखो तीक्ष्ण कंटक एक जो है वो है यव पत्रमुखी, दूसरी ठीक है, और तीसरी जो है वो गंडूपदा आकार की। इस तरीके से तीन एशनियों का जो वर्णन है वो सुश्रुत ने करा है। तो तीन एशनी कौन कौन सी है, तीक्ष्ण कंटक, पत्रमुखी और आपका गंडूक, मतलब जो आपका यव पत्रमुखी और गंडूपद आकार। अब आता है नेक्स्ट पायना। पायना का अर्थ होता है शस्त्र को तेज करना, यहाँ पे धार तेज नहीं करना, यहाँ पे अपन धार नहीं तेज कर रहे हैं। पायना में एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो यहाँ पे खुद जो शस्त्र है वो तीक्ष्ण आ रहे हैं, शस्त्र को ही तेज किया जा रहा है। तो ये तीन प्रकार की होती है, पहले तो ये ध्यान रखना पायना कितने प्रकार की बताई है, फिर पायना का मीनिंग क्या होता है ये चीज भी क्लियर रखना है, फिर ये तीन में से कौन सी तीन प्रकार की होती है। एक तो है देखो शार, एक है आपका उदक मतलब जल से, एक है तेल से। तो यहाँ पे आपके तीन प्रकार की जो पायना है उसका उल्लेख किया गया है। अब क्षार जो है वो सबसे ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं, तो शल्य अस्थि छेदन के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे तीक्ष्ण जो चीजें होती हैं उसके लिए तीक्ष्णता भी अपन क्या है, तीक्ष्ण चीजों से लाएंगे। तो जो क्षार पाई जो शस्त्र होते हैं वो अस्थि छेदन के काम में आते हैं। फिर इससे कम हो गया जल, तो जल क्या होगा, मांस छेदन भेदन पाटन में काम आएगा। और उससे भी निर्मल हो गया अपना तेल, तो तेल जो आएगा मेनली शिरा वेधन और स्नायु छेदन में। तो ये चीज ध्यान रखना, क्षार का प्रयोग अस्थि छेदन में, उदक का प्रयोग मांस छेदन में, भेदन और पाटन कर्म में, और तेल जो पायना है उसका प्रयोग किया जाता है शिरा भेदन और स्नायु छेदन में, ठीक है। ये क्लियर हुआ, देन नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए निशानार्थम। अब निशानार्थम का मतलब होता है धारा लगाना, निशाना मतलब धारा लगाना, मतलब धार लगाना शस्त्र को। तो पायना क्या था, पायना था शस्त्र को तीक्ष्ण करना, और निशानार्थम क्या है, शस्त्र को धार लगाना। तो पहली चीज ये आप ध्यान रखो कि कौन सी चीज आपसे पूछी जा रही है। तो इसमें क्या है, धारा लगाने के लिए संलक्षण शिला लेते हैं जो कि मांस वर्ण की होती है, मतलब काले वर्ण की होती है। उस पे जो है धार को तेज किया जाता है, और उस धार को एज इट इज मेंटेन करने के लिए यानी कि संस्थापन करने के लिए क्या यूज में लेते हैं, शालमली का फलक यूज में लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है धारा संस्थापनार्थम क्या यूज में लिया जाता है। और हमको ये याद रहता है कि धारा तो ये है मतलब उड़द की दाल का काला पत्थर लेते हैं और उसके ऊपर धार लगाई जाती है। तो सबसे पहले मांस वर्ण होता है ऑप्शन में, उसको करके आते हैं, जबकि वो पूछ धारा संस्थापन रहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, शालमली फलक का जो प्रयोग है वो धारा संस्थापनार्थ के लिए किया गया है। तो पायना, निशानार्थम और धारा संस्थापन, ये तीन चीजें जो है यहाँ से क्लियर हो गई आई थिंक। इसके बाद में देखो अनुशस्त्र बताए गए हैं। तो अनुशस्त्र में देखो त्वचा है, सार है, स्फटिक है, कांच है, कुरविंद है, जलौका है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जलौका जो है वो अनुशस्त्र में ली गई है, अनुयंत्र में ली गई है, में वर्णन इसका नहीं है, यानी कि अनुयंत्र में इसका वर्णन नहीं है। अग्नि है, क्षार है, नख है, गोजी, शिफाली, इनके पत्र हैं, करीर के पत्र हैं, बाल हैं, अंगुलियां हैं। अब इसमें ये जो चार चीजें हैं, चार, अग्नि, बाल और अंगुली,
ये चीज जो है अणु यंत्रों में भी है और अणु शस्त्रों में भी है, तो ये दोनों में जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो क्षार, अग्नि, बाल और अंगुली, ये चीज जो है वो दोनों के अंतर्गत प्रयोग होने वाली चीजें हैं, ये दोनों में आए हैं, अणु शस्त्र में भी और अणु यंत्र में भी, जबकि जो जलौका है वो दोनों में नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, जो शिशु है, जो भीरु मतलब शस्त्र से डरता है या शस्त्र का या फिर अभाव हो जाता है, तब आपको क्या करना है कि छेदन, भेदन, त्वक, क्षार आदि चतुर्वर्ग, सॉरी त्वक, क्षार आदि जो चतुर्वर्ग है उसका प्रयोग करना है। तो पहले ये ध्यान रखना कि शस्त्र एक्सेट्रा ना हो, या भीरु व्यक्ति हो तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, छेदन भेदन के लिए त्वक क्षार आदि चतुर्वर्ग। फिर इस त्वक क्षार आदि चतुर्वर्ग में, क्षार आदि चतुर्वर्ग में क्या है, चार चीजें हैं, वंश, स्फटिक, कांच और कुरविंद। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चार चीजें ध्यान में रखनी है। फिर देखो, आहरण, छेदन, भेदन में नख शस्त्र का प्रयोग कर सकते हो। फिर इसके बाद में लिखा गया है, जैसे कि अग्नि और जलौका एक्सेट्रा, और क्षार कर्म जो है वो आगे अध्याय में बताया जाएगा। बाकी गोजीवा और शेफालिका के पत्र को हम जो है विस्त्रावण के लिए यूज में ले सकते हैं, अगर शस्त्र का अलाभ है तो, और अगर एषणी नहीं है तो आप जो है बाल और उंगली को भी यूज में ले सकते हो। तो यहाँ से ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो जब शस्त्र का अलाभ हो तब किन किन चीजों का प्रयोग बताया गया है। त्वक क्षार आदि जो चतुर्वर्ग है, ठीक है, वो क्या होता है, गोजीवा और शेफालिका के पत्र का यूज कैसे करते हैं, किस चीज में करते हैं, इनको विस्त्रावण के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। और स्पेशली नेत्र के वत्म में होने वाले जो विस्त्रावण है, ये स्पेशली आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है ये बात। तब जो है हमेशा जो शेफालिका और गोजीवा जो पत्र है उसका मेनली यूज किया जाता है। तो जब हम उत्तर तंत्र पढ़ेंगे तब बहुत बार जिक्र आएगा कि शेफाली के पत्रों से लेखन करते हैं या विस्त्रावण करते हैं, तो ये जो है नेत्र वत्म गत्म उसमें बहुत ज्यादा काम आता है। और अगर ईशनी का लाभ हो तो बालक उंगली का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है अलाभ होने पर, किस चीज का अलाभ होने पर कौन सा शस्त्र यूज में लिया जा रहा है, कहाँ के रोगों में यूज में लिया जा रहा है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। फिर देखो, अष्टांग संग्रह का कॉन्सेप्ट देखिए विमर्श में, इन्होंने लिखा है कि ये 14 प्रकार के जो अनुशस्त्र हैं इनके अतिरिक्त कुछ और भी होते हैं, उसमें इन्होंने सूर्यकांत मणि को त्वक दाह के लिए प्रयोग बताया है, समुद्र फेन को लेखन कर्म के लिए प्रयोग बताया है, और शुष्क गोमय को भी अनुशस्त्र में अधिक वर्णित किया है। तो ये चीज ध्यान रखना कि इस तरीके के अनुशस्त्र का वर्णन किस चीज में और किस आचार्य ने किया है। ये जो सारे शस्त्र हैं वो क्या है, शुद्ध शक्यायश, शुद्ध शक्यायश का अर्थ होता है स्टील, तीक्ष्ण आयस जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा बने हुए होना चाहिए और इसको कुमार के द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो ये भी पूछ लेते हैं, जैसे कि यंत्रों के केस में हमने देखा था कि तीक्ष्ण लौह से बने हुए होने चाहिए, तो यहाँ पे शुद्ध शक्यायस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपके पूरे शस्त्र हैं 20 प्रकार के, वो कौन सा किस काम में आता है, क्या उनकी लंबाई चौड़ाई बता रखी है, और एषणी कितने टाइप के होती है, धारा क्या होता है, पायना क्या होता है, निशानर्थम क्या होता है, गोजीवा शेफालिका यूज किस में किया जाता है, त्वक्षार आदि चतुर्वर्ग क्या होते हैं। तो ये कुछ रिवीजन के पॉइंट्स थे जिसको आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये आपको ये सभी चीजों को ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ में जो वांगभट का मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को बताते जा रहा हूँ, ये उन्होंने डिफरेंट माना है, तो उससे जो है बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो उन चीजों को तो आपको बहुत ज्यादा फोकस करके ध्यान रखना है। तो इसी के साथ में आज का जो क्लास है वो अपन फिनिश करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।